नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदीया से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं सऊदीया से रिलेटेड, इधर से सऊदी कैसे जाएं, सऊदी का वीज़ा, अखामा, कोरोना अपडेट, वीज़ा रिन्यू या अखामा रिन्यू, कई लोगों की कई प्रकार की समस्याएं हैं। पूरे वीडियो में तीन चार टॉपिक पे हम बात कर लेंगे, तीन से चार मिनट में। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सऊदी की भाई, पहले फ्लाइट से रिलेटेड बात कर लेते हैं क्योंकि, और फ्लाइट से पहले कोरोना अपडेट की मैं बता दूँ, कोरोना अपडेट सऊदी में भी कम है। जी हाँ, अभी डाउन होता जा रहा है। सरकार ने ये उम्मीद भी हमने जताई थी, सरकार ने भी बोला था कि जब 1000 से डाउन होने लग जाएगा, यानी तीन अंकों में डाउन आ जाएगा ना कोरोना, तब हम फ्लाइट के बारे में सोचते हैं, सोचने पे विचार करेंगे। तो अभी आपको पता है तीन दिन से ये स्थिति है, 1000 आया, 950, 900, अभी 850 के करीब अभी तक आ रहा है, एक या दो सितंबर की मैं बात करूं तो कहने का मतलब कि कोरोना डाउन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लाइट ऑफ चालू होने के पूरे चांसेस है। जी हाँ, अब हालांकि उधर से फ्लाइटें चल रही हैं भाई, इंडिया फ्लाइटें आ रही हैं एयर बबल के थ्रू, आप सब लोगों को पता ही है, उधर से लोग फ्लाइट लेके आ जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से लोगों की फ्लाइट की कन्फ्यूज है काफ़ी, वंदे भारत 6 में भी 5 सितंबर की फ्लाइट दिखा रखी है कि सऊदी से इंडिया से 5 सितंबर को फ्लाइट जाएगी। वो एक अंदाजन हो सकता है क्योंकि एयर बबल्स, वो एक जो मिशन आते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें एक अंदाजन वो शेड्यूल बता देते हैं कि ये फ्लाइटें ऐसी हो सकती हैं, उनमें कुछ फ्लाइटें फिर कैंसिल हो जाती हैं। ये स्थिति इसकी है, 5 सितंबर को इंडिया से सऊदी के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी हाँ, वो एक शेड्यूल में दिखा दिया लेकिन फ्लाइटें नहीं है, तो भाई कोई टिकट बनाने से पहले थोड़ा सा देख लें, वरना आपका पैसा चला जाएगा और आपका श्योरिटी इसलिए हो जाएगी भाई, यार वंदे भारत में दिखा रखी है फ्लाइट 5 सितंबर की, तो हम टिकट बना लेते हैं, फालतू में आपके पैसे लग जाने हैं। ठीक है, तो फ्लाइटों के बारे में बता दिया, जल्द ही सरकार कुछ नया स्टेप लेगी उम्मीद है, 5-7 दिन में 10 दिन में फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं, तो अच्छी न्यूज़ ये है, मैं मान सकता हूँ। आगे हम बात कर लें भाई वीज़ा से रिलेटेड। तो भाई देखिए, वीज़ा आपको पता है सऊदी के काफ़ी सारे सर वीज़ा मिल रहे हैं, तो भाई वीज़ा कहाँ से मिलेंगे जब फ्लाइट ही बंद है, समझ रहे हो बात को, फ्लाइट बंदा आ नहीं जा सकता, तो फ्लाइट वीज़ा मिलेंगे कहाँ से, कौन सी कंपनियाँ बेवकूफ़ हैं जो वीज़ा निकाल रही हैं धड़ाक से, सिस्टम पूरा क्लोज पड़ा है, वीज़ा अप्रूवल कहाँ मिल रहा है सरकार, क्या जब फ्लाइट की इजाज़त नहीं दे रही है तो क्या वीज़ा की इजाज़त दे देगी सरकार, ये अपनी थोड़ी मेंटेलिटी सोचने की बात है ना। ये भी कोई वीजा वाजा का चक्कर नहीं है, कोई वीजा एजेंट बोलता है तो भैया वो फेक न्यूज है, उनके चक्करों में ना आए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो लोग छुट्टी आए थे इंडिया में, आए बहुत सारी दुनिया बैठी है, बहुत सारे लोग वहां बैठे हैं, वहाँ जो बैठे हैं उनका खामा अगर मान लीजिए एक्सपायर हो रहा है तो वो तो बढ़ता रहता है, हर 3 महीने से सरकार बढ़ा रही है, कितने बार बढ़ा दिया, अभी भी उनको टाइम दिया है कि भाई चलो 3 महीने का और टाइम बढ़ रहा है। जो इंडिया आए हैं उनका भी खामा कैंसिल नहीं होगा, वो बढ़ेगा वीज़ा उनका। जी हाँ, मानो सपोज करिए कि आप 3 महीने की छुट्टी आए थे, वीज़ा आपका 1 साल का पड़ा है, तो वीज़ा आपका पड़ा है तो खामा सरकार बढ़ा देगी, बहुत सारी दुनिया के बढ़े हैं, ये भी हम मान सकते हैं बढ़े हैं, तो आपका भी बढ़ जाएगा। जिनके अखामा, जिनके टाइम कम बचा है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छुट्टी जिनकी पूरी हो गई है, 6 महीने की छुट्टी लास्ट होती है आपको पता है गल्फ कंट्रीज में, 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया, उनको भी मौका मिलेगा सऊदी अरब जाने का, जैसे फ्लाइट ओपन हो जाती है तो सरकार उसमें नया अपडेट कर देगी। कुछ ही 4-5 टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी बस यही है, मोटा मोटी वर्ड मैंने 5-7 बता दिए, बाकी कितनी खिचड़ी बनाओ कोई मतलब तो है नहीं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।